पांच साल तक नेताओं ने कहा और जनता ने सुना, लेकिन अब जनता बोलेगी और नेता सुनेंगे, क्योंकि वोटर तो बोलेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश वोटर तो बोलेगा। हमारा कारवां अब आ पहुंचा है उस सर जमीन पर जिसने देश के लिए एक से बढ़कर एक सपूत दिए हैं। उनमें हम बात करें तो 1857 की आजादी की लड़ाई की जो योद्धा थे मंगल पांडे, वो इसी जमीन के सपूत थे। चित्तू पांडे भी यहां से रहे और आपातकाल के बाद के जो हीरो रहे जयप्रकाश नारायण, उनकी भी जन्मभूमि यही है। जनेश्वर मिश्रा जैसे समाजवादी, लोहियावादी, इसके अलावा हिंदी साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी जमीन के लाल हैं। और इस जमीन ने, बलिया ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भी भेजा चुनकर। लगातार वो बलिया का प्रतिनिधित्व करते रहे और देश के प्रधानमंत्री रहे। इब्राहिम पट्टी बिलथरा विधानसभा क्षेत्र में उनका गांव है, यहीं से आते थे। आजकल चंद्रशेखर जी के बेटे नीरज शेखर राज्यसभा के सदस्य हैं। यहां की कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक बात और हम अपने दर्शकों को बता दें जो देश के बहुत कम हिस्सों में देखने को मिलती है। नाथ बाबा का मंदिर और रोशन शाह की मजार भी यहां आसपास हैं और यहां की ये मान्यता है जो यहां के लोग बताते हैं कि अगर रोशन शाह की मजार में जाना है, उनको शीशनवाज ने जाना है, शीशनवाज ने, तो पहले यहां के लोग नाथ बाबा की भी पूजा करते हैं, उनको भी नमन करते हैं। और अगर नाथ बाबा की पूजा करने कोई जाता है तो रोशन शाह के मजार के आगे भी शीश नवाता है। ये हिंदू मुस्लिम की एकता सद्भावना का क्षेत्र है। देश में चाहे कोई भी दल, कोई भी लोग तोड़ने की बात करें, लेकिन रसड़ा विधानसभा और बलिया की सरजमीन लोगों को जोड़ने का काम करती है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज यहां से जो हम वोटर्स के बीच में जाएंगे, वो अपनी ऐसी चीजों को रखेंगे, बातों को बताएंगे जिन पर काम होना अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश के आखिरी जिले के तौर पर बलिया यहां है, बाकी बिहार शुरू हो जाता है। और हमने दिल्ली से दूर यहां आकर देखा है कि विकास के मामले में ये क्षेत्र किसी भी और उन्नत क्षेत्र से पीछे नहीं है। यहां की सड़कें, रात में रोशनी, तमाम चीजें अच्छी हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी जरूरतें हैं जो अभी पूरा होना बाकी है और उसके लिए चुनाव हो रहा है। मैं ये क्षेत्र किसी भी और उन्नत क्षेत्र से पीछे नहीं है। यहां की सड़कें, रात में रोशनी, तमाम चीजें अच्छी हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी जरूरतें हैं जो अभी पूरा होना बाकी है और उसके लिए चुनाव हो रहा है। लोग अपना विधायक चुनेंगे, हम सभी वोटर्स के बीच में आएंगे, उनसे अनुरोध भी करेंगे शांति से अपनी बात रखें, कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता हो, धर्म जाति और ऐसी कोई भड़कावे की बात ना करें। सबसे पहले हम अपने साथियों से, अपने दर्शकों के परिचय करा दें, बता दें कि यहां पर उमा शंकर सिंह बीएसपी के विधायक चुने गए थे। फिलहाल कुछ शिकायतों के चलते उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, लेकिन अब फिर से यहां चुनाव हो रहा है। और बीएसपी के अलावा यहां पर समाजवादी कांग्रेस गठबंधन के सनातन पांडे चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से राम इकबाल सिंह पूर्व विधायक यहां प्रत्याशी हैं। इसके अलावा भी कई और प्रत्याशी हैं जिनमें से यहां की जनता को अपना नया विधायक चुनना है। हमने सभी प्रत्याशियों को बुलाया था, लेकिन बड़े नेताओं की जनसभा और चुनावी व्यवस्था के चलते वो लोग नहीं आ पाए, लेकिन उनके प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं, हम उनका परिचय एक बार करा दें। मौजूदा विधायक उमाशंकर जो थे, जो प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ से यहां पर कृष्ण कुमार सिंह मुन्ना जो बीएसपी से जुड़े और विधायक से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से संजय यादव जी हमारे बीच में हैं, कांग्रेस के ओम प्रकाश तिवारी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधि आए हैं। आप अपना नाम बताएंगे। मुझे राजीव श्रीवास्तव कहते हैं। राजीव श्रीवास्तव बीजेपी की ओर से सवालों का जवाब देंगे। हम सबसे पहले चर्चा का आरंभ करते हैं, हम जाएंगे आपके पास जाते हैं, आप बताइए रसड़ा विधानसभा के जो विकास हुए हैं, जो या यहाँ पर जो भी काम हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, एकदम संतुष्ट है। रसड़ा में जो है विकास हुआ है, रोड बना है, हमारे विधायक चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, जो भी जाता है वो उनकी मदद करते हैं। हमारा विधायक इस प्रदेश में सबसे पहले उन्होंने जो निर्धन कन्याएं हैं उनका
माँ बाप का उनकी लड़कियों का माँ बाप का बोझ कम कर दिया, उनकी लड़कियों का हाथ पीला करने का काम किया, इससे बड़ा उपकार यहाँ क्या हो सकता है। उसमें हमारे विधायक जी को कई बार जो है विरोधियों के द्वारा उनकी सदस्यता रद्द करने का मामला आया है, विधायक जी उसमें परेशान थे, उसके बावजूद भी विकास का कार्य 100% हुआ है। चलिए आप संतुष्ट हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमारे यहाँ जो विधायक है, नाम बता दीजिए, विजयकांत यादव, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, ये बड़े बड़े लोगों का काम किए हैं, दबे कुचले लोगों का कुछ नहीं किए। अखिलेश यादव ने जो इतिहास रखा है, आजादी के अब तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा काम नहीं किया है। आइए जो धन रसना का विकास दिखा जा रहा है, ये अखिलेश यादव की देन है। जय 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 अखिलेश। चलिए चलिए हम बाकी लोगों के पास भी जाएंगे, सबसे पीछे जाते हैं। आप पेशे से वकील लगते हैं, क्या आपको लगता है यहाँ पर क्या व्यवस्था है? आप ठीक है, कचहरी में कामकाज ठीक होता है? देखिए मैं राजेश उपाध्याय छात्र नेता हूँ और हम वकील नहीं हैं। अच्छा, वकील नहीं है, थोड़ा वर्दी वर्दी पहन लिए हैं और ये जितने लोग बैठे हमारे। चलिए, नौजवानों के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था है? नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था बहुत बड़ी की गई है। जो हमारे आदरणीय विधायक जी हैं उमाशंकर सिंह जी, ये अभी सभाओं में बोल रहे हैं, लगभग यहाँ पर 1,00,000 नौजवानों को रोजगार के लिए, जेसीबी चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए उसके बाद ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उसको ट्रेनिंग देकर, और हमारे वो संजय जी हैं, मित्र ही हैं, समाजवादी पार्टी के, जो झंडा लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात जो आदरणीय उमाशंकर सिंह जी किए हैं, देखिए हम लोग ब्राह्मण घराने से हैं और ब्राह्मण घराने से सनातन पांडे लड़े हैं, लेकिन जात की बात नहीं है। यहाँ पर बात यह है, भले हम ब्राह्मण हैं, काम की बात है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी उपलब्धि है वो 8,000 लोगों को उज्जैन एक जो है वो समाज नहीं, आठ हजार लोगों को उज्जैन की यात्रा कराए और करीब 500 से 600 भी कुछ बोलेंगे उनके कराए। जय उमाशंकर। हेलो हेलो हेलो, हम धनंजय चौबे, हम धनंजय चौबे सक्रिय सदस्य, मनोज तिवारी के राइटर हैं, गाना लिखने वाले, नाथ बाबा है, रोशन बाबा। चलिए चलिए हम आपके पास जाते हैं, इधर से शुरुआत करेंगे। जय जय अखिलेश। चलिए 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 चलिए, वो यहाँ के आप बताइए, यहाँ पर आप पुराने मतदाता यहाँ के लग रहे हैं, चलिए आपके पास आते हैं अभी। हम इस समय बलिया के रसला विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के वोटर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। अभी तमाम लोग अपनी बात रख रहे हैं, हम उनके पास जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिरकार यहाँ क्या जरूरतें हैं जो अभी और होना बाकी है, ये आप बताइए। उधर 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 से ऐसा है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी, उधर से देखिए, हाँ, बहुजन समाज पार्टी सामाजिक हित में काम किया है, वो उन्होंने किया है। यहाँ की क्या जरूरत है जो होना चाहिए वोटर के तौर पर समाज के विकास करने के लिए? जैसे आप लोग भाई साहब बोल रहे हैं कि सपा सरकार ने बहुत विकास किया है, अरे वो जवाब हम उनसे ले लेंगे। आप यहाँ की समस्या बताइए। समस्या तो ये है कि यहाँ शिक्षा मिली है, नौकरी नहीं मिलता है, जो काम करते हैं, जो काम करे सही मजदूरी, सबकी जो जा रहा है रिपोर्ट दी जा रहा है, शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, अपनी समस्या लेकर जाने के बाद भी सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये स्थिति है ये शासन में। अगर गरीब अगर जहां देखा जाए तो शासन ही सोचता है कि हम क्या आवास दे दिया या उनको पेंशन दे दिया, पेंशन से विस्तार नहीं है, विकास नहीं होता है। जब तक नौकरी क्यों नहीं दिया? नौकरी मिलनी चाहिए लोगों को, आपको क्या लगता है? विकास दिया। प्रश्न बोलिए। प्रश्न ये है कि यहाँ रस्ता विधानसभा क्षेत्र के आप वोटर हैं, कोई ऐसे आपको दिखता है? स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं यहाँ पर, लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज हैं? स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं होती है, हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार है, सारे कमीशन की दवाइयाँ लिखी जाती है प्रशासन। हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार है, कमीशन की दवाई लिखी जाती है, हम जवाब लेंगे। हाँ, प्रशासन की कमी है। और नौकरी की बात है तो बहुजन समाज पार्टी 1,00,000 नया पद सृजित करके, 1,08,000 नया पद सृजित करके नौकरी देने का काम किया आजादी के बाद से, कोई ऐसा नहीं दिया। अब हम जाएंगे, बाकी प्रतिनिधि बैठे हैं, आपके पास भी आएंगे। आप बताइए, आप समाजवादी पार्टी की ओर से आए हैं, लोग कह रहे हैं अभी विकास में बहुत कमी है, जो विकास हुआ वो विधायक का हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अस्पताल में भ्रष्टाचार, अभी अभी बता रहा हूँ, भाई साहब ने शिक्षा के सवाल पर अपनी बात रखने का काम किया है। यहाँ से स्थानीय विधायक ने, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, स्थानीय विधायक ने रोड का ठेकेदारी करने के सिवा कौन से विद्यालय और
विद्यालय का भवन बनाने का काम किया, हॉस्पिटल बनवाने का काम किया उमा शंकर सिंह विधायक ने, ठेकेदारी के सिवा कोई काम नहीं किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरे रसड़ा विधानसभा में नहीं, पूरे बलिया जनपद में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने काम किया है। अखिलेश यादव ने सनातन पांडे के निवेदन पर बिजली के क्षेत्र में कताई मिल में 32 करोड़ रुपया जमीन का पैसा देने का काम किया और 356 करोड़ रुपया देकर के पावर स्टेशन 400 के बीच बनाने का निर्णय लिया है। जब इतना बड़ा काम मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे साथी यहाँ बहुजन के हैं उनसे कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से देश के लोगों को, इस विधानसभा के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे के आवेदन पर और मुखिया अखिलेश यादव ने कन्या विद्यालय देने का काम किया है, जो यहाँ आज तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक छोटे से कमरा में वह विद्यालय चलता था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सनातन पांडे के निवेदन पर समाजवादी पार्टी के नेता ने यहाँ महिला विद्यालय बनवाने का काम किया है। मोतिरा गांव सभा में विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय बनवाने के लिए सनातन पांडे ने काम किया है। तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है, शायद आने वाले दिनों में या इसके पीछे भी किसी सरकार ने, मुझे नहीं उम्मीद है, कोई कर सकता है। श्रीवास्तव जी, ये तमाम दावे कर रहे हैं कि इन्होंने काम किए हैं, बीजेपी के विधायक क्यों चुने जाते हैं? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का अभिनंदन करता हूं और यहां पे जितनी भी नाथनगर की जनता है, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि विकास का मतलब शिक्षा होता है, स्वास्थ्य का विकास होता है और रोजगार का विकास होता है। मैं कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में विकास का क्या मतलब है, यहाँ इंटरसिटी ट्रेन अगर चलाने की बात होती है, जो कि बहुत जरूरी है यहाँ के व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए, उस संघर्ष की कहानी का इतिहास लिखने वाला अगर कोई है तो यहाँ माननीय राम इकबाल सिंह जी हैं, जिनके माध्यम से यहाँ इंटरसिटी ट्रेन चल करके जाती है और लोगों को काफी सुविधा प्राप्त होती है। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो लोग स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में भी आंदोलन करने का काम, लगातार 7 दिन तक अनशन करने का कार्य और आंदोलन करने का काम माननीय राम इकबाल सिंह जी ने किया और तब जाकर के वहाँ कुछ दिनों तक मुफ्त में दवा वगैरह प्राप्त हुई थी। लेकिन सरकारी नुमाइंदों के कारण जो है, जितने भी सरकारी यहाँ लोग हैं और जो राजनेता है, उनकी सह पा करके फिर उस कार्य को बंद कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई बड़ा सा कॉलेज नहीं खड़ा किया गया है, मेडिकल कॉलेज नहीं खड़ा किया गया है, तो फिर किस तरह का विकास की बात की जा रही है? अगर कोई भी लड़की सुंदर हो, सिर्फ नाक ही अगर उसकी बड़ी हो तो उसको सुंदर नहीं कहा जा सकता है। हर अंगों की सुंदरता चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सिर्फ सड़कों का विकास ही विकास नहीं हुआ करता, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है, पहले आपने नारा दिया था 27 साल बेहाल, अब आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि यह गठबंधन देश के तरक्की और खुशहाली के लिए किया गया है। आपको मालूम है कि इस देश में एक पार्टी ऐसी है जो हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करती है, और उसके बाद जब हिंदू मुसलमान से उनका काम नहीं बना तो वो अब बैकवर्ड फॉरवर्ड को बांटने का काम शुरू कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में पूरे देश में 15 लाख लोगों को खाते में देने का वादा किया गया, कोई बता दे कि 1 रुपया किसी खाते में गया हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 3 साल बीत गया, 6 करोड़ रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए, 1 रोजगार जुआ को रोजगार नहीं मिला। इसके बाद इन्होंने कहा हमने नोटबंदी कर दिया, नोटबंदी में कम से कम 150 लोगों की जाने गई, 1.5 रुपया भी मोदी सरकार ने देने का काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने तो 5 लाख रुपया पर व्यक्ति को देने का काम किया है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कताई मिल, चीनी मिल, और यहाँ जो इंटरसिटी चलती थी कांग्रेस के जमाने में चलाई गई थी, यहाँ के सांसद और यहाँ का जो रेल मंत्री है उसको बंद करने का काम किया। ये लोग केवल नाम बदले हैं योजना का। और बिजली का सवाल मैं आपको बताता हूँ, 3 साल हो गए राजीव गांधी विद्युतीकरण के नाम बदल करके
और इनको दीनदयाल योजना में ले जाने के लिए 3 साल हो गए, नाम नहीं बदल पाए अभी, और एक योजना इनकी दीनदयाल की शुरू नहीं हो पाई। जो पहली योजना है जो पहले से चली आ रही है वही चल रही है। अब हम बीएसपी के प्रतिनिधि के पास जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वो मुद्दे की बात करें कि आप फिर से मैदान में हैं, आपके ऊपर आरोप लगे विधायक के कि वो ठेकेदारी ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं अपना, इसी में उनकी सदस्यता भी गई। पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे मित्र यहाँ समाजवादी पार्टी के संजय यादव जी बैठे हैं और कांग्रेस के भी यहाँ प्रतिनिधि आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग आए हुए हैं। मैं आदरणीय संजय यादव जी से इतना ही पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका काम बोलता है तो बलिया में रसना के जैसे और कोई विधानसभा प्रतिनिधि आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग आए हुए हैं। मैं आदरणीय संजय यादव जी से इतना ही पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका काम बोलता है तो बलिया में रसना के जैसे और कोई विधानसभाओं का आप नाम बताने का काम करें, ताकि हम उस विधानसभा को देखने का कार्य करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो प्रतिनिधि आए हैं अगर वो ये कहते हैं कि इंटरसिटी ट्रेन हमारे प्रत्याशी भाई राम इकबाल सिंह जी ने चलाया, तो मैं उनको यह बता देना चाहता हूं, शायद उनकी जानकारी अधूरी होगी। इस ट्रेन को चलाने वाले, इंटरसिटी ट्रेन को चलाने वाले हम लोग कहीं पार्टी में कभी रहा करते थे, दारा सिंह चौहान जी जो कि घोसी लोकसभा के सांसद थे, उन्होंने इस ट्रेन को चलाने का कार्य किया है। और भी बाकी बातें यहां सभी लोग जानते हैं, एकमात्र रसना विधानसभा ही पूर्वांचल नहीं पूरे प्रदेश में ऐसा है, जिसके प्रत्याशी भाई उमाशंकर सिंह जी बहुजन समाज पार्टी से हैं, उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि आज जातीय बंधन और धर्मवाद अगर कहीं टूटा है तो वह रसना विधानसभा के धरती पर टूटा है। और विकास के साथ सामाजिक कार्यों में भी अगर भाई उमाशंकर सिंह जी के कार्यों को मैं आपको बताऊं, 2 बार यहां लड़कियों की शादी हुई सामूहिक विवाह, 351 और 251 बेटियों की यहां एक बार में शादी हुई, और यहां पर 8-8 हजार की संख्या में 2-2 स्पेशल ट्रेन करके और उनको तीर्थ कराने का काम किया गया। अगर हिंदुओं को तीर्थ कराने का कार्य किया गया तो मुसलमानों को जियारत कराने के लिए अजमेर शरीफ हम आपके पास फिर से आते हैं। विधानसभा क्षेत्र से हम बलिया के रसना विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के वोटर्स से चर्चा कर रहे हैं, तमाम बातें आई हैं, तमाम जो प्रतिनिधि हैं प्रत्याशियों के उनसे भी बातें हुई हैं, और अभी समय की थोड़ी कमी रहेगी, हम चाहेंगे संक्षेप में अपनी बात कहें, 10-15 सेकंड में अपनी बात कहें, जो कहना है फटाफट कहिए, राजनीतिक बात नहीं। सर मैं पूछना चाहता हूँ बीएसपी के कैंडिडेट से कि यहाँ पे बहुत विकास बोल रहे हैं कि हुआ है, और कहीं भी विधायक निधि होती है उसका एक भी योजना का कहीं काम नहीं दिखता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में जवाब दे। जवाब लेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो जी, है कितना निधि है उसमें? विधायक के निधि में 1400 करोड़ निधि में पैसा आ रहा है। हम लोग अखिलेश यादव के काम से खुश हैं। चलिए आप बताइए, फटाफट बोलिए। हम यहाँ विधायक उमा शंकर सिंह के काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं, और यहाँ उमा शंकर सिंह ने विकास के नाम पर सैकड़ों बेटियों की शादी कराया है, और यहाँ सड़कों का जाल बिछा दिया है, और यहाँ पे शिक्षा के नाम पर हर एक गरीब नौजवान साथियों का पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। चलिए अब बैठिए फटाफट, यहाँ की बात करिए फटाफट, जो आपको कहना है संक्षेप में। सर मैं बताना चाहूंगा, अभी भाई साहब ने कहा कि निधि का, तो मैं पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज करना चाहता हूँ, पूरे पूर्वांचल में एकमात्र उमा शंकर सिंह ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल का, पूरे 5 साल का जो उनकी निधि आती है, सुन लीजिए ना, पूरा पेपर में ब्यौरा देते हैं। और जो हमारे पूर्व विधायक जी के लोग कह रहे हैं कि निधि का जो बेचा गया है, मैं उनसे चैलेंज करना चाहता हूँ, 5 साल में उनका जो भी कार्य है, जो उन्होंने कार्य किया था, उनका एक भी पेपर में नहीं आया। संक्षेप में सबसे बड़ा बिल्कुल राजनीतिक बात नहीं, मैं अपने जनप्रतिनिधि जो हमारे सारे बैठे हैं, अगर ये बार बार एक बात बोलते हैं कि काम बोलता है तो रसना विधानसभा में मुझे लगता है कि काम दिखता है। दूसरी बात, मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ माननीय हमारे समाजवादी पार्टी के नेता से, कि इन्होंने जब विधायक रहे और जब यहाँ पर यादवों को मिलने का, यहाँ पे गौशाला खोलने की बारी आई, तो वो गौशाला विधायक जी के यहाँ खुली, हमारे विधायक जी ने तो यहाँ पर इतने काम। ठीक है। आप बोल रहे हैं, आप एक मिनट, आप क्या कहना चाह रहे हैं संक्षेप में बोलिए। अगर रसाना में किसी का काम दिखता है तो अखिलेश यादव के पीडब्ल्यूडी विभाग का काम दिखता है, न कि उमा शंकर सिंह का विभाग का काम दिखता है।
रसड़ा विधानसभा का दुर्भाग्य है कि ऐसा विधायक दिया कि जिसकी सदस्यता 5 साल में 2-2 बार गंवानी पड़ी। फिर अगर यहाँ की जनता ऐसा करती है तो फिर इस दुर्भाग्य की बात होगी कि ऐसे विधायक को जिताती है। चलिए आप बताइए फटा संक्षेप में बोले 30 सेकंड में बात करिए। मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अभी बसपा के उम्मीदवार कह रहे थे कि यहाँ वास्तव में सभी धर्मों के यहाँ के विधायक सभी धर्मों को एक समझते हैं, सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पहले तो कोई विधायक ही नहीं रहे। अगर कोई अटलांटा ओलंपिक में इंग्लैंड की धाविका अगर जीत जाती है गोल्ड मेडल और डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाती है उसका ताज छीन लिया जाता है, ये इंग्लैंड के लिए अपमान की बात होती है। उसी तरह से यहाँ के विधायक की विधायकी छीन ली गई। चुनाव निर्वाचन आयोग ने क्या किया कि डोपिंग टेस्ट में उनको फेल कर दिया, डोपिंग टेस्ट में फेल कर दिया, इसलिए वो विधायक ही नहीं रहे। फिर उनके नाम का विकास कार्यों का कैसा योगदान माना जाएगा। दूसरा बात मैं कहना चाहूंगा सांप्रदायिकता की, तो मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ दावते इफ्तार दिया जाता है और यहाँ पे प्यारे लाल चौराहे ये बात है भैया, ये अलाव नहीं है, ये बात यहाँ पे खजूर का पेड़ लगाया जाता है लेकिन आंवले और शमी का पौधे भी क्यों नहीं पौधा लगना चाहिए, और सबके पौधे लगने चाहिए। आपके पास जाएंगे, सबके पास जाएंगे, शांति से सबके पास आएंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। संक्षेप में देखिए अभी हमारे साथियों ने अपनी बात को रखने का काम किया है। इन्होंने कहा है कि इंटरसिटी धारा सिंह चौहान ने काम चलाने का काम किया, लेकिन मैं आपके माध्यम से बलिया जनपद में ही देश को बताना चाहता हूं, नीरज शेखर जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने इंटरसिटी को चलवाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार देश में आती है तो उस इंटरसिटी को बंद करने का काम किया। और अभी एक बहुजन समाज पार्टी के साथी ने कहा है यहाँ काम दिखता है, तो मैं आपसे कहना आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ रसवा विधानसभा में काम दिखता है तो अखिलेश यादव का दिखता है। और बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूँ यदि उमेश शंकर सिंह विधायक ने काम कराया है तो एक भी रोड पर वोट लगाने का काम करे, मैं अपना राजनीतिक चोला उठाकर फेंक देने का काम करूंगा। ठीक है, आपके पास आएंगे आप। अरे भाई चलिए चलिए चलिए, आप नौजवान हैं, कोई इधर से कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आप यहाँ के मतदाता हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ चीज तो होना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं आप यहाँ देखिए, यहाँ राम इकबाल सिंह भी विधायक रहे हैं, सनातन पांडे भी विधायक रहे हैं, इस समय उमा शंकर सिंह विधायक हैं, तीनों में लोग सभी लोग फर्क देख लें कि किसमें क्या गुण है, ठीक ना। तो अपने अपना अच्छा उम्मीदवार चुने, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, उन्होंने कहा कोई भी सारे प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि हैं और उनमें जो अच्छा लगेगा वोटर। हाँ। मोहन भाई से बात करें, मोहन भाई जो है हर बांधने का काम किया हिंदुस्तान उधर उधर हो गया। अरे एक मिनट भाई, समय कम है, उधर सुनिए, हो गया आपका, हो गया। चलिए किस मुद्दे पर मैं आपसे, अब हम यही कह रहे हैं बिल्कुल चर्चा अब बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गई है। अब विधायक अगर आपका चुना जाता है क्या क्या खास काम करेंगे ये बताइए। सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र की समस्या है कि 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 5 साल चीनी मिल का जो यहाँ चीनी मिल हमारे यहाँ बंद थी, कताई मिल यहाँ बंद है। और माननीय विधायक जी अगर उमाशंकर सिंह जी फिर से यहाँ से चुन के आते हैं तो पूरे क्षेत्र में सभी लोगों से वादा किए हैं कि अगर हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी होगा यहाँ का मेडिकल कॉलेज, और यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। हमारा रसना विधानसभा ही एक ऐसा क्षेत्र है, रसना विधानसभा पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में ऐसा क्षेत्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यहाँ बगल में एक संसदीय क्षेत्र है बनारस, लेकिन वहाँ भी वाईफाई फ्री नहीं है। और हमारे यहाँ नौजवानों के लिए यहाँ पढ़ने के लिए वाईफाई फ्री यहाँ माननीय विधायक जी ने किया है। तमाम कार्य जो आज आपको दिख रहे हैं विकास से लेकर के सामाजिक कार्यों तक, आने वाले समय में उससे भी ज्यादा हम लोग बढ़ चढ़ करके काम करेंगे और उससे भी अच्छा विकास करने का काम माननीय विधायक जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षेप में अगर आपका विधायक चुना जाता है क्या बड़े काम, 3-5 काम 5 काम कुछ बताइए फटाफट। देखिए यदि हमारे विधायक चुने जाते हैं तो हम सबसे पहले उस इलाके की चीनी मिल को चालू करने का काम करेंगे। यदि हमारा विधायक चुना जाता है तो हम यहाँ की कताई मिल को चालू करने का काम करेंगे।
यदि हमारा विधायक चुना जाता है तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर सारी महिलाओं को बिना किराए का उत्तर प्रदेश की यात्रा कराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को समाजवादी पार्टी का पेंशन 1,000 रुपया देने का काम करेंगे। यदि हमारा विधायक चुना जाता है तो हम इलाके में शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, फटाफट आइए 30 सेकंड में, फिर कहिए आप कहेंगे मुझे मौका नहीं दिया, जल्दी बोलिए कि आपका विधायक चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी का अगर विधायक यहाँ से चुना जाता है तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिससे कि आसपास के लोग जो हैं वहाँ पे जाएं और उनको बनारस न जाना पड़े, क्योंकि रास्ते में ही वो दम तोड़ देते हैं। दूसरी हमारी वरीयता होगी कि कताई मिल और चीनी मिल जो बंद पड़े हुए हैं वहाँ को चलाया जाए, ताकि किसानों को गन्ना के बदले पैसा मिल सके और वो अपने लड़कियों की शादी कर सके, ताकि यहाँ का कोई भी व्यक्ति उन्हें भिखारी ना समझे, वो अपनी बेटियों की शादी अपने पैसे से कर सके। इसलिए कताई मिल और चीनी मिल को हमारी पार्टी चलाने का आश्वासन देती है। तीसरा मैं चीज बताता हूँ, सरकार जब बनेगी तभी बनेगी और सरकार बीजेपी की बन रही है, इसलिए विधायक राम इकबाल सिंह जी इस कार्य को करा पाएंगे। तीसरा कार्य होगा, यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में एक सेंट्रल विद्यालय की स्थापना होगी, जिसको हमारे देश के केंद्रीय मंत्री माननीय महेंद्र पांडे जी ने आश्वासन दे रखा है। यहाँ पे ये थी बात रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से, समय की कमी है, आज चर्चा हुई यहाँ के वोटर्स से कि रसड़ा विधानसभा में क्या काम होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने भरोसा दिया है कि जो भी विधायक रहेगा वो और विकास का काम करेगा। ये थी बात रसड़ा विधानसभा की।